नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन में नगर निगम ऑडिटोरियम बस स्टैंड में उपरोक्त तीन नए कानून के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गयी। हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ अपने विचार संक्षिप्त में रखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ विद्वान वक्ताओं ने काफी गूढ़ गहन और विस्तृत तरीके से नए कानूनों के संबंध में अवधारणात्मक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक तीनों ही पक्षों पर व्यापक परिचर्चा की। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो तीन कानून हैं, उसका मूल उद्देश्य है इनोवेशन यानी नवाचार, एक्सपेंशन यानी विस्तार, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी उच्चता, रेलिवेंस अर्थात समसामयिकता, और जो लोकतांत्रिक परिभाषाओं का मूल है जिसे हम कहते हैं इक्विलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी यानी समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना, इन सभी आदर्शों को, इन सभी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए ये तीन नए कानून लागू किए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय दंड संहिता जो अब भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित हो गई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स CRPC जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवर्तित हो गई है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाएगा, इन तीनों का मूल उद्देश्य है औपनिवेशिक शासन की मंशा से निर्मित हमारे तीनों कानून जो पूर्व में, आज दिनांक से पूर्व में हमारे पूरे भारतवर्ष को गवर्न करते थे, जिनका उद्देश्य, जिनके नाम से ही आपको स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य दंड देना था, भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के हक में शोषित और भारतीय संसाधनों का दोहन साम्राज्य के विस्तार और उसके पोषण के उद्देश्य से किया जाना था। इन ऐतिहासिक कुरीतियों से, इन ऐतिहासिक छल से और सबसे बढ़कर के समाज के दमन से बाहर निकलने का वह ऐतिहासिक पल है आज 1 जुलाई 2024 का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कानून है, एक नेशन के तौर पर आगे बढ़ सकें ऐसी भावनाओं के साथ इस कानून को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। मैं कहना चाहूँगा कि ये कानून, जिनके बारे में अभी वीडियो चलाएगा, जिनके बारे में सर ने बोला भी कि हम कोर्ट में भी उसको लगाएंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रत्येक थाने में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक थाने में, कटनी जिले के प्रत्येक थाने में कार्यक्रम हो रहे हैं इसके संबंध में। हमने ऑडियो विजुअल माध्यम से, इसके संबंध में हमने रिटर्न माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी संभव माध्यम हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो भी संभव हमारे पास संसाधन हैं, उसका हमने सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का प्रयास किया है। और आज तो एक अवसर है, एक खास दिवस है, क्योंकि आज पहली तारीख है, पहला दिन है जब ये कानून इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। आपको पता है कि कानून एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, कानून एक गतिशील सब्जेक्ट है, इसमें गतिशीलता हमारे व्यवहार को रिफ्लेक्ट करती है और प्रभावित भी करती है एट द सेम टाइम। इसीलिए ये चीज़ें आती और जाती रहेगी, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, प्रतिदिन सीखना पड़ेगा, पुलिस के कर्मचारियों को रोज़ सीखना पड़ेगा, हमें अपने तौर तरीकों में, हमें अपने सोचने में, हमें अपने भावनाओं में, हर स्तर पे हमें अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मूल उद्देश्य यही है कि ये जो पुलिस के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पे, हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, हमारे न्यायाधीश महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स और जो आम नागरिक है, जो सामान्य जीवन जीते हैं, वो सभी मिल करके इस समाज का निर्माण करते हैं, और हम पुलिस कर्मचारी भी इस समाज से अलग नहीं हैं। जैसा हमारा समाज होगा, जितना पारदर्शी हमारा समाज होगा, जितनी पारदर्शी हमारी व्यवस्थाएं होंगी, जितने पारदर्शी हमारी प्रक्रियाएं होंगी, वो सब पुलिस विभाग में भी उसका समावेश होता रहेगा, क्योंकि पुलिस के भी जो कर्मचारी हैं वो इसी समाज से आते हैं, आपके ही भाई बंधु हैं। तो मान के चलता हूं मैं कि इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन से सोसाइटी के ऊपर, विभाग के ऊपर
न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, न्यायालय के ऊपर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे वो कुल मिलाकर के एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो सजग समाज होगा, जो एक अलर्ट सिटीजन को पैदा करेगा, जो एक नॉलेजेबल सोसाइटी, एक जागृत सोसाइटी, एक बुद्धिशील सोसाइटी का निर्माण करेगा। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस सोसाइटी में जो नॉलेजेबल सोसाइटी होगा, जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत को वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल करवाने की क्षमता डेवलप करने के लिए हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का विकास करेगा, हमारे भीतर एक नए पोटेंशियल का संचार करेगा, कुल मिला करके तब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। सिर्फ कोरी बातें करने से कुछ नहीं होगा।